नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुखसार खान और आप देख रहे हैं टीवी इंडिया 18। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। सहारनपुर त्योहारों का मौसम आ गया है, जिस कारण से बाजारों में बढ़ती भीड़ को लेकर आज व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश का एक प्रतिनिधि मंडल प्रांतीय अध्यक्ष राधे श्याम नारंग के नेतृत्व में आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर कार्यालय पहुंचे तथा उनसे मिले तथा एक ज्ञापन भी दिया, जिसमें ई रिक्शा व भारी वाहनों के बाजारों में प्रवेश पर रोक लगाने के लिए व दीपावली तक मंगलवार को भी बाजार खोलने का आदेश पारित हो, प्रशासन काम के दिनों में व्यापारी के साथ सख्ती न बरते। प्रांतीय अध्यक्ष राधे श्याम नारंग ने कहा कि देश के कोविड-19 कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन की वजह से देश की व्यापारिक गतिविधियाँ ठप पड़ी थी, इसलिए हम प्रशासन से मांग करते हैं कि तथा बाजारों के अंदर आने वाले ई रिक्शा तथा भारी वाहनों के प्रवेश पर भी रोक लगे, जिससे बाजारों में जाम की समस्या ना हो सके। इसी के साथ मैं प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि जिस प्रकार व्यापारी समाज लंबे समय से अपना व्यापार बंद किए हुए था, इसलिए मेरा सरकार से कहना है कि दीपावली तक मंगलवार को भी बाजार खोलने की अनुमति प्रदान करनी चाहिए। इस अवसर पर राजीव फुटेला, सरदार जोगिंदर सिंह ठकराल, सादा अंसारी, विनीत करणवाल, भारत करणवाल, अनिल धरैया, सुरेंद्र कुमार, रिंकी गांधी आदि मौजूद रहे। राधे श्याम नारंग, प्रांतीय अध्यक्ष व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश। आज हमारा एक प्रतिनिधि मंडल सहारनपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एस चन्नप्पा जी से मिलने इसीलिए आया है कि जिस प्रकार देश में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन लगा हुआ था, अब लॉकडाउन पूरी तरह से खुल चुका है। जो व्यापारिक गतिविधियाँ बंद पड़ी थी वो शुरू हो चुकी हैं। देश की जनता, व्यापारी समाज ने जो वैवाहिक कार्यक्रम करे थे वो किसी ने, ज़्यादातर लोगों ने या तो स्थगित कर दिए थे या आगे कर दिए थे। अब लगन का समय, त्योहारों का समय, शादियों का, लोगों का करने का जो कार्यक्रम चल रहा है उसको देखते हुए बाज़ारों में अत्यधिक भीड़ होनी शुरू हो चुकी है। मेन बाज़ारों में ग्राहकों की भीड़ बढ़ चुकी है। ऐसे में मेरा प्रशासन से यही मांग है कि जिस प्रकार बाज़ारों में अत्यधिक भीड़ ग्राहकों की बढ़ रही है, व्यापारियों के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो, पुलिस गश्त ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और जिस प्रकार भीड़ की वजह से आपराधिक तत्व उसका फ़ायदा उठाकर व्यापारियों के साथ घटनाओं को अंजाम देने में लगे हुए हैं, मेरा प्रशासन से मांग है कि शीघ्र अतिशीघ्र उन पर लगाम लगाई जाए और पुलिस प्रशासन का गश्त ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। और जिस प्रकार भीड़ बढ़ रही है, मेन बाज़ारों में ई रिक्शा व भारी वाहनों पर प्रवेश पर रोक लगे, ये मेरी आज डॉक्टर एस चन्नप्पा जी से मांग थी। और हमारा ये भी कहना है कि जिस प्रकार भीड़ बाज़ारों में बढ़ रही है, 6 दिन का चलता है, मेरा प्रशासन से कहना है कि मंगलवार भी जो बंदी का दिन था दिवाली तक उसे फ्री होल्ड किया जाए, व्यापारियों को 7 दिन काम करने का अवसर प्रदान हो, जिससे भीड़ 7 दिन डिवाइड हो जाएगी और व्यापार भी बढ़ेगा और कोरोना का असर भी कम होगा। क्या आश्वासन दिया आपको? हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जी ने हमारे ज्ञापन में जितनी भी मांगे थी उन पर शीघ्र अतिशीघ्र कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।